एक सब्सक्राइबर अभी हमें ईमेल करते हैं और बताते हैं, सर मैंने फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट परचेज किया था और जो पेमेंट मोड है वो फ्लिपकार्ट पे लेटर को चूज किया था। मैंने उस पे अपनी 12 ईएमआई बनाई थी, मैं कंटिन्यू ईएमआई वगैरह अच्छे से पे कर रहा था, लेकिन अचानक से जो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी वो पूरे तरीके से चली गई। जब मेरी पार्ट टाइम जॉब चली गई तो मैं पैसा वगैरह अरेंज नहीं कर पाया और अब मेरी पूरी तरह से जो ईएमआई है वो 7 डिफॉल्ट हो गई हैं। अब मेरी 7 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास में आज एक एडवोकेट का कॉल आया और उस एडवोकेट ने बताया कि आपके ऊपर लोन डिफॉल्ट करने पर केस दर्ज हो गया है, अब आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और अगर आप कोर्ट में नहीं आएंगे तो आपके घर पे पुलिस आ जाएगी, आपको उठा के ले जाएगी, आपके साथ में ऐसा कर देगी, आपके साथ में वैसा कर देगी। उस व्यक्ति ने इतना कह करके कॉल काट दिया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि देखो सर मैं एक स्टूडेंट भी हूं, अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूं और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। तो दोस्तों आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सैलरीड होंगे। आप जब भी इन ई कॉमर्स वेबसाइट को देखते हैं आपको इन ई कॉमर्स वेबसाइट पर काफी अच्छे अच्छे ऑफर दिखाए जाते हैं। उन काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स को देख करके आप चाहते हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मैं परचेज कर लूं। लेकिन बहुत से व्यक्ति मैंने देखे हैं जो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस को नहीं समझते हैं, जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं समझते हैं, वो बस ऑर्डर कर देते हैं और उनके पास में जब प्रोडक्ट आता है वो पूरे तरीके से उसको रिसीव भी कर लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं। अब वो फाइनेंशियली अपने आप को तो नहीं समझ पाए कि भाई मैं कितना स्ट्रांग हूँ, अगर कल को मेरी जॉब चली जाए या मेरे पास पैसा नहीं रहा तो मैं कैसे ईएमआई पे करूंगा, पर उसने प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट व्यक्ति को दिखाती इस तरीके से है कि आपके लिए अच्छा ऑफर है, वो अच्छा ऑफर है, ये है वो है, तो व्यक्ति इस झांसे में फंस ही जाता है। और आपको एक बात सबसे पहले ये समझनी होगी, देखिए जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा आप जब भी प्रोडक्ट को देखते हो तो वहां पे लिखा होता है नो कॉस्ट ईएमआई, और उस नो कॉस्ट ईएमआई के झांसे में आप अच्छे तरीके से सब फंसते हैं। कैसे, आप उस प्रोडक्ट की एक तो पूरी वैल्यू दे रहे हैं, जितनी एमआरपी होती है मैक्सिमम जो प्रोडक्ट देखे मैंने वो उतना ही वहां पर मेंशन करते हैं, लेकिन वहां पर वो पता क्या लिख देते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई, कोई इंटरेस्ट वगैरह आपको नहीं देना होता। लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर आप देख लीजिएगा, पे लेटर पर देख लीजिएगा, 199 रुपीज, कितना प्रोसेसिंग फी चार्ज, उसमें वो इंटरेस्ट वगैरह फी वगैरह सब एडजस्ट हो जाता है। तो एक तरीके से ये आपके साथ में धोखा है जिसके जाल में आप पूरे तरीके से फंस जाते हैं। तो आपको इस नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए अगर आपके पास में कोई ऐसी कॉल आ रही है, आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, तो देखिए आपके ऊपर कोई वो केस नहीं हुआ है, वो एक रिकवरी एजेंट है जो कि आपको एडवोकेट बन करके कॉल कर रहा है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी एडवोकेट कभी भी किसी भी डिफॉल्टर को कॉल करके ये नहीं कहेगा कि भाई तू पैसा दे दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे। वो एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ आपसे लीगल नोटिस के तहत ही वार्तालाप करेगा, राइट? जब आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो वो एडवोकेट जाएगा पूरे तरीके से, जब उसको कंपनी कहेगी कि भाई कोर्ट में लेकर के जाओ मामले को, वो कोर्ट में लेकर के जाएगा, राइट? तब जाकर के सारा सिस्टम होता है। आपके पास में कोई नोटिस नहीं आया, किसी ने आपको इन्फॉर्म कॉल के जरिए कर दिया कि भाई मैं फलाना एडवोकेट बात कर रहा हूं, आपको पूरी तरीके से जेल हो जाएगी या फलाना हो जाएगा या ढिकाना हो जाएगा, आप पूरे तरीके से टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये टेंशन निकालिए। अब देखिए आप एक चीज को समझिएगा, आपने इस ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जो लोन लिया है, अब एक तरीके का लोन ही हो गया ना, तो ये जो लोन लिया है आपने एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, ठीक है? इसमें क्या होगा अगर आप भुगतान नहीं कर पाते हैं बाय चांस, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए आपका सिविल इंपैक्ट करेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपने कितने रुपए का प्रोडक्ट लिया होगा, शायद 1 लाख का ले लिया होगा या फिर 10,000-5,000 रुपए का ले लिया होगा या 15-20,000 का ले लिया होगा, अब इसके लिए वो कहां लीगल एक्शन पर जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ इतने बात का समझिएगा आप, ये आपको डराएंगे धमकाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आपके पास में पैसा है तो पैसा देकर के अपना पीछा छुटा लीजिए, वो बेहतर है। अगर पैसा नहीं है तो डरना घबराना तो पूरे तरीके से कर दीजिए बंद,
कुछ नहीं होगा। आप प्रयास ये कीजिए कि भाई आप पैसा अरेंज कर लें। अब भैया फ्लिपकार्ट पे लेटर है, बहुत से लोग डर जाते हैं यार, बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, मेंटली स्ट्रोंग रहिए, अगर आप सही हैं। देखिए दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके पेमेंट नहीं करते हैं, भाई उनके पास में रुपया पैसा सब कुछ है, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो कौन व्यक्ति होते हैं, वो पूरे तरीके से कंपनी के साथ में फ्रॉड करने का मन बना चुके हैं, वो कंपनी के साथ में स्कैम करने का मन बना चुके हैं। तो देखो उनको तो है खतरा, उनके ऊपर तो चाहे तो कंपनी बहुत कुछ कर सकती है विलफुल डिफॉल्टर के तहत। अब जो व्यक्ति जेन्युइनली डिफॉल्ट किया है, जेन्युइनली वो पूरे तरीके से मैं सारी चीजों को मतलब नहीं क्लियर कर पा रहा, खर्चा चलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो बैंक एनबीएफसी उसके ऊपर कहाँ केस करेगी, नहीं जाएगी केस करने। तो काफी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ये भी क्वेरी होगी कि हमने फ्लिपकार्ट पे लेटर का रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, क्या हमारे ऊपर केस हो जाएगा, क्या हम जेल जाएंगे, क्या करें हम। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका सिविल इंपैक्ट होगा, इससे ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। जो मैंने अपने व्यूअर्स हैं उनका उनसे एक्सपीरियंस लिया है, उनसे चीजों को समझा है, तो काफी व्यक्तियों ने हमें यही बताया है। बाकी जो व्यक्ति भाई जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं, मैं बताया गया, उनकी तो भैया अच्छे तरीके से लगा सकती है कंपनीज। अब इस चीज को आप समझिएगा, तो आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको ऐसे नोटिस भी आ रहे होंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से, कुछ धमकियां भी मिल रही होंगी, तो वो डरना घबराना बिल्कुल बंद करें। अपने आप को पूरे तरीके से ये समझें कि भाई मुझे अब ये पैसा वापस करना है और मैं पूरे तरीके से अपने काम पर ध्यान दूं, और काम अगर नहीं है तो काम अरेंज करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आप घर पर ही बैठ जाएं और आप पेमेंट करके अपना पीछा छुटा लें। वेरी सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर भाई पैसा है ही नहीं तो भाई कोई क्या करेगा, ये बताओ। तो आप में से जो भी व्यक्ति थे जिनकी क्वेरी थी वो पूरे तरीके से सोल्व हो गई होंगी इस वीडियो के थ्रू। मैंने क्लियरली बता दिया कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से अगर आपने लोन लिया है तो क्या हो सकता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दीजिएगा, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो बैंक एनबीएफसी या लोन ऐप से किसी प्रकार का कोई लोन लिए हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, वो अपना इश्यू हमें पर्सनली बताना चाहते हैं। तो देखिए ये हमारी एक पेड सर्विस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस पेड सर्विस को लेने के लिए क्या करना होगा, आपको हमें इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स सेंड करनी होगी, जैसे कि अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, और उसमें बताना होगा कि आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए, आप टेलीफोनिकली हमसे बातचीत करना चाहते हैं। अब जब ये सब चीजें आप बताएंगे तो हम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे कि आपकी समस्या है, और एक मिनिमम सा चार्ज लगेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एक लोन ऐप्स के डिफॉल्टर हैं, आपने लोन ऐप्स से लोन लिया है, जैसे छोटी छोटी लोन है, जैसे 1,000-2,000 रुपए का जो आपको लोन देती है, इनके लिए अगर आप संपर्क करते हैं हमसे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बैंक एनबीएफसी के डिफॉल्टर हैं और आपका बड़े अमाउंट का लोन है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, तो देखिए यहाँ पर ये आपके लिए चार्जेबल है। धन्यवाद।